हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ या कुर्ती के पिछले गले के लिए बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये फ्यूज़ पेपर लिया है, आप चाहे तो बुकरम ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक राउंड शेप ड्रॉ करनी होगी, जिसके लिए आप कोई ऐसा ढक्कन भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में हम एक डॉट लगा लेंगे और उसके चारों तरफ ढाई ढाई इंच की दूरी पे, ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे। इसके चारों तरफ हमें ये डॉट्स लगाने हैं और अब हम इन निशानों को आपस में जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप कितना भी बड़ा सर्कल बना सकते हैं। अब हम इसे कट करेंगे। अब हम इसके बीच में डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस सेंटर वाले डॉट से दोनों तरफ आधा आधा इंच की दूरी पे हमें निशान लगाना है इस तरीके से। और अब सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान यहाँ लगाएंगे और इस निशान को कर्वी शेप ड्रॉ करते हुए यहाँ तक जोड़ देंगे। अब हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमारा ये निशान यहाँ से दिख रहा है और यहाँ पे इसे ट्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और इस डिज़ाइन को यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेंगे और आगे की तरफ इसे अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो हमने ये एक डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे एक और फ्यूज़ पेपर के ऊपर ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद हम ऊपर की तरफ से आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे निशान, क्योंकि इतना कपड़ा दबने में भी आता है। इसी तरह से मैंने दो टुकड़े कट कर लिए हैं और अब इन्हें कपड़े के साथ चिपकाएंगे। मैंने अपनी राउंड शेप को भी कपड़े के साथ चिपका लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से बीच में से इसे मोड़ेंगे और सेंटर मार्क करेंगे। ये गला मैं ब्लाउज़ के पिछले हिस्से पर बना रही हूँ, तो पहले गले का निशान लगाएंगे। पिछला गला मैं सिर्फ 4 इंच लंबा बना रही हूँ ब्लाउज़ का। ये बोट शेप नेक बनेगा और यहाँ पर ये रख के इस तरीके से फ्यूज़ पेपर के साथ साथ हमें बारीक बखिए से सिलाई लगानी है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हम अंदर से एक्स्ट्रा सारा मार्जिन कट करेंगे। ये कपड़ा कट करने के बाद हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। और इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसे हम बाद में उधेड़ देंगे। इस तरीके से ये हमारा तैयार हो गया है डिज़ाइन। अब ये जो हमने अंदर की डिज़ाइनिंग के लिए पीस कट करके रखा था, इसे हम दूसरे कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल इस फ्यूज़ पेपर के साथ साथ ही हमें बारीक बखिए से सिलाई लगानी है इस तरीके से। सारा एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे दोनों की दोनों तरफ। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और इसे पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए आप किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसे बाहर की तरफ पुश करेंगे और सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों पीसेस तैयार करके रखे हैं। अब हम इन्हें फोल्ड करके इन सेंटर पे बिल्कुल बीच में इस तरीके से निशान लगाएंगे चौक से और अब इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे।
पिन लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, और अब जो ये हमने गला तैयार करके रखा था इसके नीचे हम इसको अच्छे से प्लेस करेंगे और पिन्स लगाएंगे। और पिन्स लगाने के बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो इसे इस तरीके से सिल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर लेसेस और बटन्स भी लगा सकते हैं, इसको और ज़्यादा पार्टी वेयर लुक देने के लिए, पर मैं ये सिंपल ही बना रही हूँ। ये देखिए, इसके सेंटर में मैं ये बटन लगाऊंगी। ये देखिए, गला हमारा ही बनके तैयार हो गया है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।